नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। अभी दोस्तों, अभी आज दूसरी मिल्किंग अब स्टार्ट होने वाली है। मैं टाइम आपको दिखा देता हूं। और भैया ये सेल के लिए दोस्तों, ये गाय दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मात्र 3 थन से गौ माता एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएगी। और दोस्तों पीटी बुल की बेटी है, 22:33 दोस्तों आप टाइम देख सकते हो, 6:33 AM ट्यूसडे 28 नवंबर 2023 टाइम इन इंडिया। कल हमने खाली टाइम की हमने वीडियो बनाई थी, खाली होते हुए दोस्तों एक एक चीज आपको नोट कराई थी। और कल खाली समय का जो दूध इस गौ माता ने दिया था 9 किलो 560 ग्राम। पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई बच्चों बच्चिया को दूध नहीं पिलाते जब राठी गाय की मिल्किंग चलाई थी। तो भाई दोस्तों मिल्किंग में मैं आपको बता देता हूँ, मिल्किंग में दूध निकाल के निप्पल के साथ फिर बच्चिया को दूध पिलाया जाता है। लेकिन इसमें भाई आज पहले ही पिला रहे हैं। भाई देखो आप, तो भाई वीरेंद्र भाई का कहना है नोला बच्चा दूध पी लेगी तो क्या हो जाएगा, पहिया कम ही तो देगी। दोस्तों भाई वीडियो के साथ बने रहे और देखते रहना। और भाई ये सेल के लिए है गौ माता पीटी बुल की बेटी, यानी कि प्रोजनी टेस्टेड बुल। और जो नीचे बच्चिया है वो भी प्रोजनी टेस्टेड बुल की बच्चिया है। आड़ा रख दे। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ये बाल्टी उठा ना कैसे,
हाँ पूरी
कोई नहीं, लग जाएगा जो टाइम लगेगा। ना 14:30 एक मिनट बताइए। खाली वो एक्सरे रखिए एक बारी, थोड़ा नीचे करिए। हाँ जमा 00 सही है, सही खाली है, खाली 1 किलो का 970 ग्राम। जीरो है, जीरो खाली है। 1 किलो बीस, 1 किलो बीस वही जो शाम ने था। जीरो जीरो ये कर लेगा साहब, 200 पूरा आ जाएगा। सारे करें, तन्ने करण में क्या दिक्कत है? 200 तो 10 ग्राम चाहिए 200 में। 9 किलो 200 ग्राम वही 10 170 पूरा 200 पूरे 200। तो भाई दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज गौ माता ने भाई 9 किलो 200 ग्राम दूध दिया है। भाई दोस्तों आज सेकंड मिल्किंग हुई थी, सेकंड मिल्किंग में 9 किलो 200 ग्राम गौ माता ने दूध दिया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।